26 जनवरी का हमारा तिरंगा कश्मीर में आसमान। मित्रों, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, 35 से हटाई, पर इनका विरोध कर रहे हैं। राहुल बाबा कह रहे हैं मत हटाइए, मत हटाइए। क्यों भाई? आपके पढ़ना ना डालकर गए थे इसलिए ना हटाए, मगर उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है। इस देश की सारी मुस्लिम माताओं बहनों की मांग थी, साहबानों के वक्त से मांग थी, 1985 से मांग रही, याचिकाएं पेंडिंग रहती रही, लंबित रहती गई। मुस्लिम माताओं बहनों को ट्रिपल तलाक का समानता का अधिकार नहीं दिया। मित्रों, इस बार नरेंद्र मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा कि कानून अब इस देश में नहीं चल सकता, उन्होंने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। इसका भी ये सारे लोग, केजरीवाल जी, राहुल बाबा, ममता दीदी, अखिलेश, ममता, ये सारी कंपनी विरोध कर रही है, क्योंकि इसमें भी उनको वोट बैंक नाराज होती दिखाई दे पड़ती। मित्रों, जिंदाबाद। 550 साल से इस देश का हर व्यक्ति चाहता था कि अयोध्या के अंदर जहां पर चाहते थे जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते थे? और ये केस जब भी आता था सुप्रीम कोर्ट में, जब भी आता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और एक कपिल सिब्बल खड़े हो जाते, अभी मत चलाइए, 19 को जाने दीजिए, 17 को जाने दीजिए, 14 को जाने दीजिए। क्यों भैया कपिल, आपके पेट में क्या दर्द होता है? मगर मित्रों, मोदी जी की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ने केस चला लिया, किसी की नहीं सुनी, पांचों जजों ने जजमेंट दिया, उन्हें निमस जजमेंट दिया कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर बन गया। मित्रों, मैं आप सबको कहने आया हूं कि 4 महीने के अंदर आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण शुरू होने वाला है। अब इसका भी विरोध करते हैं। मुझे बताओ भैया, 10 साल तक ये यूपीए की सरकार चली, कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, पाकिस्तान के आतंकवादी देश में घुसते थे, हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे, और मौनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। चिंता होती थी या नहीं होती थी? जोर से बोलो, होती थी या नहीं होती थी? 2014 में आपने परिवर्तन किया, उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान को लगा कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार है, वो रास्ता भटक गए, सरकार बदल गई थी, भाजपा की सरकार थी, प्रधानमंत्री बदल गए थे, मौनी बाबा की जगह 56 इंच की छाती लगाए। और मित्रों 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मुझे बताओ भाई, ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक मोदी जी ने करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? अगर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते हैं, 40 जवान शहीद होते हैं, जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये कहते हैं क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करी, बैठो बैठो, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करी, प्रूफ लाइए, सबूत लाइए। अरे केजरीवाल जी, आप क्या सबूत मांग रहे हो? पाकिस्तान का टीवी देख लो, छातियां पिट रहे हैं, छातियां पिट रहे हैं, इससे मालूम। मित्रों, मुझे बताओ,
मोदी जी सीएए लेकर आए, उन्होंने झूठ का पुलिंदा फिरा दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इस देश के मुसलमानों का, इस देश की माइनॉरिटी की नागरिकता ले लेगा। मैं जोर से बोलता हूं, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में भी बोला, मगर इन लोगों के कान बंद है, सुनाई नहीं पड़ता कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल किसी की नागरिकता लेने का बिल ही नहीं है, नागरिकता देने का। किसका बिल है मुझे बताओ भाइयों? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए हैं, जिनके सामने उनके घर की महिलाओं को अपमानित करा गया, बलात्कार किया गया, हजार हजार माता बहनों के पर जुर्म किया गया, उनके नाबालिग बच्चियों को निकाह पढ़ाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, धर्म स्थान तोड़े गए, अफगानिस्तान में बूथ के पुतले पर तोपे दागी गई, भगा दिया गया, उनकी संपत्ति हड़प ली गई, वो शरण लेकर भारत में आए, शरम लेकर भारत में आए। और ये शरण इसलिए ली है कि हमारे देश का वादा था जब विभाजन कांग्रेस पार्टी ने इस देश का करा था, कि जो वहां से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, धर्म, ईसाई आना चाहे उसको बुलाएंगे, बसाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा, जवाहरलाल जी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, आचार्य कृपलानी ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, मगर इन लोगों को ये नहीं दिखाई पड़ता, उनको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती है। मोदी जी ये लाखों करोड़ों प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं, और इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। मित्रों, आप मुझे मन से बताना, मैं बड़े संवेदनशील तरीके से आपको पूछने आया हूँ, हमारे ये जो भाई आए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, उसको नागरिकता देनी चाहिए? जोर से बोलिए, देनी चाहिए? मित्रों, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा केजरीवाल जी का इंटरव्यू देखा, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान वालों की फिक्र है। केजरीवाल जी, ये दिल्ली की 30% आबादी पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हुए लोगों की, हमारे भाइयों की बसी है, ये मालूम है आपको? आप उनको पाकिस्तानी कहते हैं? मैं कहता हूं आपको पाकिस्तानी कहना है तो कह दो, ये हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारी माताएं हैं, हम उसको नागरिकता जरूर देंगे, जरूर। और अगर ये स्टैंड है आपका, अगर आपका ये स्टैंड है कि पाकिस्तान से आए हुए और भाजपा पाकिस्तानियों की चिंता करती है, तो चुल्लू पर पानी लेकर डूब मरो केजरीवाल। जो शरण में आया है, जो प्रताड़ित होकर आया है, जिसका ये भूमि पर मेरे और आपके जितना अधिकार है, उसको आप कहते हो क्यों लाए हो? क्यों? क्योंकि आपको आपकी वोट बैंक की चिंता है। आपने पूरे देश को गुमराह किया। ये कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, सपा, बसपा, केजरीवाल, ये पूरी कंपनी पूरे देश को गुमराह किया, दंगे कराए, दिल्ली को असुरक्षित करा। आपने देखा था या नहीं देखा था टीवी पर भाइयों? पहले बताओ, देखा है या नहीं देखा है? मालूम है ना किसने करे दंगे? जरा जोर से बोलो, मालूम है ना? फोटो देखा है ना? टीवी देखा है ना? इनसे लोग बचा सकते हैं क्या दंगाइयों से? जरा जोर से बोलो, आप पार्टी बचा सकती है? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? ये अभी भी कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, आज भी कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ। आज एक वीडियो प्रसारित हुआ है, देख लो जरा, आपको कहते हुए शर्म भी नहीं आती, वोटों की लालच ने आपकी आंखों पर पट्टी बना दी है, पट्टी बना दी है। मित्रों, मैं बड़े मन से आप सबको और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कहने के आया हूं कि कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी दिल्ली को सुरक्षित नहीं रख सकती, देश को सुरक्षित नहीं रख सकती, देश को सुरक्षित, दिल्ली को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही रख सकते। और एक टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति करती है, मुझे सवाल करते हैं, क्या है टुकड़े टुकड़े गैंग? आपको व्याख्या न मालूम हो तो कह दू,
दो साल पहले जेएनयू के अंदर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000 1000, इसका समर्थन करने वाले सभी आप पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, सपा, बसपा, सब टुकड़े टुकड़े थे। अब आप कंफ्यूजन में थे, मैं आज सरल कर दिया। मित्रों मुझे बताओ, जो भारत के टुकड़े करने की बात करे उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मित्रों मोदी जी ने वो लड़के जो नारे लगा रहे थे उनको जेल में डाला, 2014 में उनका चार्जशीट, 2019 में उनका चार्जशीट करने का समय आया, जनवरी से उनको परमिशन मांगा गया है आप पार्टी से कि इनकी प्रोसिक्यूशन की आप परमिशन दे दो, जनवरी से जनवरी आ गई आज तक परमिशन नहीं देते। मैं आज इन युवाओं के सामने श्री केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, किसको बचाना चाहते हो आप, किसको बचाना चाहते हो? जो देश के टुकड़े करने की बात करता है उसको बचाना चाहते हो? अरे जरा शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल, वोट बैंक की राजनीति की भी कोई सीमा होती है। मित्रों मैं बताता हूं आपको, एक बार आप कमल फूल की सरकार बना दो, नरेंद्र मोदी की सरकार बना दो, दूसरे दिन शपथ करके दूसरे ही दिन ये टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं। मित्रों मोदी जी ने 5 साल तक पूरे देश का विकास करने का काम किया है, रोड, रास्ते, पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, अमेरिका जाए, रशिया जाए, फ्रांस जाए, इंग्लैंड जाए, इटाली जाए, पाकिस्तान जाए, मोदी जी नहीं जाते, बांग्लादेश जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, लंका जाए, जहां जहां जाते हैं वहां मोदी 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 मोदी, पूरी दुनिया ये मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत करे। मित्रों ये मोदी मोदी के नारे नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लगते हैं, ये मोदी मोदी के नारे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लगते हैं, ये मोदी मोदी के नारे 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान में। मोदी जी ने दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम किया है, मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया है, मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, घर, शौचालय, स्वास्थ्य का कार्ड और अब पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया है। मोदी जी ने देश को बदला है, बदला है या नहीं बदला है? जोर से बोलो, बदला है या नहीं बदला है? मोदी जी ने देश बदला, अब दिल्ली बदलना चाहते हैं। मित्रों दिल्ली को बदलना, आप मुझे बताओ दिल्ली के युवाओं, मोदी जी को दिल्ली बदलने का आप अधिकार दोगे या नहीं दोगे? पक्का देंगे ना? मित्रों आपको मैं बताना चाहता हूं, हम ऐसा दिल्ली चाहते हैं जो प्रदूषण मुक्त हो, हर घर में जहां पर स्वच्छ पीने का पानी मिले, 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो, हम ऐसा दिल्ली चाहते हैं जहां के बच्चों की अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त हो, अनधिकृत कॉलोनी का नाम निशान न रहे, अनधिकृत कॉलोनी के अंदर सारी सुविधाएं जो अधिकृत हो गई है वहां पर पहुंचे, हम ऐसा दिल्ली चाहते हैं जहां रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, साइकिल ट्रैक हो, वर्ल्ड क्लास रोड हो, ट्रैफिक व्यवस्था जाम से मुक्त हो और कभी शाहीन बाग न हो, ऐसा दिल्ली हम दिल्ली तभी बन सकता है जब दिल्ली वाले ये भ्रामक प्रचार से बाहर निकलकर श्री नरेंद्र मोदी जी को कमल के निशान पर अपनी मोहर लगाकर दे दें। मुझे बताओ भैया, 5 साल पहले एक गलती हुई थी दिल्ली वालों की, ये झूठा बोलने वालों की सरकार लाने की, इस बार हम मोदी जी के साथ चलेंगे क्या? जोर से बोलो, चलेंगे। हर ये साइबर योद्धा
सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के हर युवा तक ये संदेश पहुंचाएगा। 8 तारीख के सुबह ही परिवार के साथ 10 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, और तो इतनी जोर से दबाना वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले रूट कर चलेंगे। करेंगे क्या? मोदी जी की सरकार बनाएंगे, कमल की सरकार बनाएंगे, भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, घर घर में मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की जय।